بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون सद्जीम मोहतरम सामीन व नाजरीन हमारी इस नशस्त में आज जिस मौजू पर हमने गुफगु करनी है वो है रमज़ान और तकर्रबल अल्लाह का क़ुरब और रमज़ान सामने मोहतरम दुनिया का ये दस्तूर है ये रवाज है आम तौर पर इंसानों में यह रवैया पाया जाता है कि हर इंसान ये चाहता है कि उसका ताल्लुक़ उसकी कुर्बत ऐसे लोगों के साथ हो जो बाअसर हों जो इख्तियार हों जो सरमायादार हों जिनकी माशरे के अंदर कोई हैसियत हो उनके साथ अपने ताल्लुक़ को बनाने को और अपनी कुर्बत को बरकरार रखने को हर इंसान अपने लिए एजाज़ समझता है और वजह उसकी ये होती है कि इंसान ये समझता है कि जब मेरा ताल्लुक़ ऐसे बासर लोगों के साथ बाख्तियार लोगों के साथ सरमादार और मालदार लोगों के साथ होगा तो जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो ये लोग मेरी मदद करेंगे मेरे मुश्किल घड़ियों में मेरा साथ देंगे और मेरे मुश्किल को हल करने में, में मेरा मेरा ताउन करें ये दुनिया के अंदर लोगों का रवैया है आम तौर पर इंसानों का यही रवैया है लेकिन अगर हम इसको देखें इस पे इस रवैये पर गौर करें और इस रवैये की असलाह की कोशिश करें तो हमारे सामने एक ये सूरत आती है कि हम ये देखें कि पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा बाख्तियार कौन है पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा कुदरतों का मालिक कौन है पूरी कायनात में सब इंसानों के ऊपर इख्तियारिस का सबसे ज़्यादा है तो हमारे विजदान में हमारे दिल में ये जवाब आता है कि वो अल्लाह और बल्ज़त की जात है तो अगर हमने अपने मुश्किल अवात के लिए और मुश्किल घड़ियों के हल के लिए और आसानी के लिए ताल्लुकात बनाने हैं, हैंबत इख्तियार करनी ही है तो क्यों ना उसके साथबत अख्तियार की जाए उसके साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाया जाए जो सबसे बड़ा हाकिम है सबसे बड़ी कुदरतों का मालिक है सबसे ज्यादा बाइतियार है और सबसे बढ़कर हर चीज पर कुदरत रखने वाला है और फिर मजे की बात यह है कि बाकी दुनिया के लोगों के साथ तो ताल्लुक बनाने के लिए इंसान कोशिश कर रहा होता है उनके करीब जा रहा होता है उनके लिए हदि और तोहफे लेकर जा रहा होता है उनकी खिदमतें कर रहा होता है लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इंसान को बुला रहे हैं कि मेरे करीब आओ और ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हूँ तुम अगर गौर करो तो कुरान का मुताला हमें यह बताता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हजूरअसलात वाम को कि ऐ मेरे नबी जब ये आपसे मेरे बारे में पूछें वही दास इबादी अन्नी जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो उनको बता दिया करो इन्नी करीब मैं बहुत करीब हूँ और फिर एक और मकाम पर अल्लाह रबुल्ज़त फरमातेकर हबली हम तो इंसान के शाहरग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं अब ये इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से अपने इस गुरबत वाले ताल्लुक़ को इस्तेमाल करे और ऐसे आमाल इख्तियार करे जिनके जरिए से वह अल्लाह के मजीद करीब हो जाए अल्लाह तो करीब है लेकिन इंसान की तरफ से जो कमी है इस कमी को कैसे दूर किया जाए इसके लिए कुछ अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं जिनके जरिए से इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है हदीस पाक में एक मुख्तसर सी हदीस कोट करके मैं अपने मौजू अपनी बात की तरफ आऊँगा अल्लाह इज़्ज़त फरम हदीस खुद सी हैजूरतम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मनाद अली फ़कद आजम तो जिस बंदे ने मेरे दोस्त को तकलीफ पहुंचाई तो मैं उसके साथ जंग करूँगा इस हदीस के अगले हिस्से में अल्लाह अल्लाबत फरमाते हैं हदीस ख़ुदी के इस अगले हिस्से में कि मेरे करीब बंदा सबसे ज़्यादा मेरे करीब उन आमाल के ज़रिए से आ सकता है जो मैंने उसके ऊपर फ़र्ज किए हैं अब अल्लाह रब्जत ने जो फ़र्ज किए हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं हम अगर आम तौर पर एक छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए कि इस्लाम में क्या क्या चीजें फर्ज हैं तो बुनियादी वो चार पांच चीजें आपको गिनवाएगा कलमा नमाज रोजा हज जक़ात तो कलमा है नमाज है रोजा है हज है और जकत ये वो पांच चीजें जो फर्ज करार दी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील अलग है लेकिन है फर्ज अब यह हदीस कुदसी हमें यह बता रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बंदा फर्ज करदा अमाल के जरिए से आता है तो नमाज के जरिए से इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब जाता है बल्कि इस हदीस के अगले हिस्से में अला रब यह भी फरमा रहे हैं हदीसी कु नवाफिल बंदा नवाफिल के जरिए से मेरे करीब आता है लेकिन हम अभी पहले हिस्से पर बात कर रहे हैं अल्लाह रब फरमाया कि जो चीज़ें मैंने उस पर फर्ज किया उनके जरिए से वो मेरे करीब आता है तो नमाज फर्ज है रोजा फर्ज है हज फर्ज है ज़क़त फ़र्ज है इन सारे आमाल के ज़रिए से इंसान अल्लाह का कुरब इख्तियार कर सकता है हमारी गुफ्तगु चुकी रोज़े के हवाले से मुबारक के इस महीने में हमारे पास बहुत बड़ा चांस है बहुत बड़ा मौका है कि हम अल्लाह के करीब हो जाए रोज़ा रख के वो भी फ़र्ज़ है नमाज़ों का अहतमाम करके वो भी फ़र्ज़ है क्याम करके ववाफिल हैं और तक्रबदी बिन नवाफिल रात की इबादत करके अल्लाह के, अल्ला के करीब हो जाए तो रोजा और ये रमज़ान का महीना सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह के कुरब का अल्लाह कीबत अख्तियार करने का क्योंकि इसमें हम नमाजें भी पढ़ें रोज़े भी रखें लैल भी करें और अपनी इस्तात के मुताबिक सदका व खैरत भी करें तो हम कितने फरज़ पूरे कर रहे हैं जिनके जरिए से हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं कितने ऐसे अमाल और तरीके हम इख्तियार कर रहे हैं जो अल्लाह के करीब करने वाले हैं और एक मजे की बात कि ये जो कुरान करीम की ये आयत है वहीदा सा इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब जब मेरे बंदे आपसे पूछे मेरे बारे में तो उनको बताओ मैं उनके करीब हूँ ये आयत भी कुरान करीम के जिस मकाम पर मौजूद है उससे पिछली दोनों आयात रमज़ान से मुतल हैं और कुरान से मुतल है ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए ये आयत है उसके बाद ला रबुज़त फरमाते हैं रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह रबुजत ने कुरान को नाजिल किया तो ये कितना खूबसूरत जो है वो रब्त है कि रमज़ान का ज़िक्र आया रोज़ों का जिक्र आया कुरान का जिक्र आया उसके फौरन बाद वाली आयत में ला रबरमाते हैं कि जब मेरे बंदे तुमसे पूछें मेरे बारे में तो उनको बताओ कि मैं करीब तो गोया ये भी एक इशारा मिल रहा है कि रमज़ान रोज़े कुरान ये अल्लाह की कीबत के आमाल हैंबत वाले आमाल हैं तो समय मोहतरम ये इतना प्यारा महीना है इतनी रहमतों और बरकतों वाला महीना है बल्कि मैं कहूँ कि इतनी इतनीों वाला महीना है अल्लाह के कुर्ब अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करने के लिए सबसे बेहतरीन महीना है कि इसमें इंसान रोज़े भी रख रहा होता है नमाज़ें भी पढ़ रहा होता है फ़राइज़ भी अदा कर रहा होता है फिर नवाफिल का एहतमाम भी कर रहा होता है कुरान की तिलावत भी कर रहा होता है और वो वो अमाल जो बाकी महीनों में मुमकिन नहीं होते या मुश्किल होते हैं सहरी के वक़्त उठ कर इस्तफार कर रहा होता है पड़ रहा होता है ये सारे अमाल उसको इसी महीने में मयसर होते हैं और बड़ी सहूलत के साथ मयसर होते हैं तो मैं ये समझता हूं कि यह महीना इस एतबार से बहुत ही शानदार मौका है हमारे पास कि हम अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करें अल्लाह के करीब हो जाए ऐसे अमाल इخ... जो है इख्तियार करें कि जिनके जरिए से अल्लाह का हमें हासिल हो तो अल्लाह रब्जत का कर्ब हासिल करने के लिए ये सदी से कुदसी की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह रब फरमाते हैं कि जो चीज़ें मैंने उसके ऊपर फर्ज की हैं उनके जरिए से मेरे करीब हो सकता है सबसे ज़्यादा कुर्ब उसी सूरत में मिलता है कि वो उन अमाल को इख्तियार करे जो उसके ऊपर फ़र्ज है बाकी नवाफिल के जरिए भी इंसान कुर्बत इख्तियार कर सकता है तो फराइज में रोज़ा भी है नमाज भी है और कुरान करीम की तिलावत भी है और उसकी समात भी है कुरान की समात भी फ़र्ज है कुरान करीम की तिलावत और उसकी समात के बारे में अल्ला रब फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो ये फ़र्ज है सुनना फ़र्ज़ है तो अगर इंसान तिलावत करते करते थक जाता है तो उसको सुनना शुरू करते तो ये भी उसके लिए इबादत का ज़रिया होगा और अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया होगा तो हमने अगर अपने मुश्किल अवकात के लिए अगर किसी के साथ ताल्लुक़ को बनाना है और कुर्बत अख्तियार करनी है जो मुश्किल में हमारे काम आए हमारी फरियादों को सुने हमारी तकलीफ़ों को दूर करे हमारी हाजत रवाई करे हमारी मुश्किल कुशाई करे हमारी जरूरियात को पूरा करे तो वो अल्लाह रबुज़त की जात है जिसका हमने कुर्ब इख्तियार करना है और उसका बेहतरीन मौका ये रमज़ान मुबारक का महीना है जिसमें हम अल्लाह कुर्ब इख्तियार कर सकते हैं इन आमाल के ज़रिए से अल्लाह रबुज़त से दुआ है कि अल्लाह रबत हमें अपने खसूसी बंदों में हमारा शुमार फरमाए और हमें अपने कुर्बत वाले अमाल अख्तियार करने की तोफ़ी नसीब फरमाए वह आखिर उदाहवाना हमद रबालम